यहाँ से आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी, उसके बाद बहुत ही अच्छी मंदिर के नजारा खा लेना। वेलकम न्यू अदर ब्लॉग गाइस। तो आज हम आ चुके हैं एक मंदिर जो कि पड़ता है अनूपपुर और प्यारी या फुनगा के बीच में। और देखिए पीछे ये मेन हाईवे NH 43। और आज हम आ गए हैं मंदिर में। चलिए दोस्तों मैं मंदिर के बारे में दिखाता हूँ, वाकई बहुत सुंदर जगह। मैंने पहली बार यहाँ से बहुत बार मैंने दोस्तों नखा तो हूँ, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ कभी नहीं आया और मैं आपको दिखाता हूँ। आज गए हुए थे अनूपपुर तो सोचे कि आज आपको यहाँ विजिट करके दिखा दिया जाए। चलिए दोस्तों ये हमारे सत्यनारायण भाई और ये हमारे साथ साथी होती सब संजय भाई अजीत भैया खड़े हैं ऊपर। देखिए भंडारा 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 क्या करवाने आए हैं लोग को आज यहाँ। तो द्वारिका जी हमको पार्टी देने वाले हैं 2 किलो। तो आज क्या खिलाने वाले? बूंदी उदी खिलाएंगे, काजू कतली का है, काजू कतली का गाइस मिठाई खिलाने वाले होगा। पीछे होगा ना तुम्हारे गाड़ी, तुम्हारे गाड़ी खा लेना। वो पानी बॉटल ले ला, पानी बॉटल ले लो आप, खा लेना उसको, खा लेना है ना। और थोड़ा सा टास राउंड बना सकती भी लेना नहीं है, पत्ता पत्ता सूखा पत्ता डाल के उसको बीड़ी। गाइस ये खाना आप दे दीजिए ऊपर, गाड़ी खड़ा कर दिए और गाड़ी खड़ा कर दिया, चेक कर लेना मेरा भी चेक। और ऊपर चलो, ऊपर मंदिर है, मंदिर है ऊपर, वो शिव जी का मंदिर देख सकते हैं ऊपर। एक और मंदिर है बहुत ऊपर, ये एक शंकर का मंदिर है, दर्शन करने आए। आप क्या करने आए मंदिर में? दर्शन। हाँ तो और कुछ करने? जय बोल बम। बस ये देखिए ये वाला सीढ़ी, ये तो मंदिर है। और ऊपर यहाँ पहाड़ में जाने के लिए यहाँ से संजय भाई ऐसे जा रहा है, ये देखो। मेरे को फॉलो करिए आप लोग, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ कहाँ जाना। ये गाइस तो आज आ चुके हैं देखे ऊपर पहाड़ की ओर जाते हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छा मंदिर में दिखाने वाला हूँ जो कि कुछ ही दूर पे है यहाँ से। आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी, उसके बाद बहुत ही अच्छी मंदिर का नजारा आपको देखने को मिलेगा। आप दिल खुश। संजय भाई हमको गाइड कर रहे हैं आज, गाइड भाई संजय। कभी भी मौका मिले तो अनूपपुर से थोड़ा ही पहले है यह हमारा मंदिर, जो कि शिव बाबा से कोई कम मंदिर नहीं है। यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है। और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? मिलते हैं ब्रेक के बाद। अजीत भैया पहले पहुंच गए ऊपर, अरे इधर भी दिखा दो। और ये भैया लोग आते, संजय राहुल और भैया है ये श्री भैया और सत्यनारायण राहुल हो गया सत्यनारायण वो पीछे आ रहा है द्वारिका जी कर रहा है, ये देख सकते हैं ये पहाड़ पे जा रहे हैं और बहुत भयंकर दोस्तों चढ़ाई बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हैं नीचे आ रहे हैं हम लोग, दिखा जो नजारा दिख सकता है, दिख सकता नहीं देख सकते हैं आप। और ये देखे यहाँ से NH हाईवे दिख रहा है, जो कि गाड़ी उड़ी देख रहे हैं छोटे मोटे है 43 NH 43। और अजीत भैया सबसे पहले पहुंच गए, ये देखे जूम करके मैं दिखा पा रहा हूँ शंभू। दोस्तों पहुंच चुके हैं भोले बाबा के मंदिर पे। जय माता, जय भोलेनाथ। माता जी का मंदिर है, ये माता जी शेरा वाली का मंदिर है। ये ऊपर है जितना है थोड़ा सा नजारा, ये बहुत ही अद्भुत नजारा देख सकते हैं यहाँ से। पहली बार है। और ये आते हुए कुछ सज्जन लोग जो कि भारी भरकम शरीर है उनका, तो धीरे धीरे आ रहे हैं वो। जैसे कि आप द्वारका भैया को देख सकते हैं, जीवन भैया को देख सकते हैं, वो पेड़ का निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं कि आप पेड़ क्या है। और दोस्तों यहाँ मंदिर के बाद दोस्तों ऊपर भी एक मंदिर है और ऊपर भी मैं जाके दिखाऊंगा। जय भोलेनाथ, जय शंभु शंकर। यहाँ ऊपर ऊपर है शंकर जी का मंदिर, ऊपर है हर हर शंभु। अब ऊपर मंदिर नहीं है, ऊपर अब घूमने का वाला जगह है यार। जूता पहन के आए तो पत्थरों वाली रास्ता आ गई, सीढ़ी समाप्त। हाँ अब पत्थरों वाला रास्ता, पगडंडी पगडंडी जो कि पहाड़ की ओर जाता है। अजीत भाई एक दर्शन पहले करके आ गए, भोलेनाथ के भक्त। वो मंदिर दिख रहा होगा, दर्शन उर्शन हो गया भोलेनाथ के भक्त। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम हर हर महादेव।
साथ सबके साथ। बस ये है मेन मंदिर यहाँ का सबसे ऊपरी छोर पर, और ये हनुमान, ये है शंकर जी की मूर्ति, और यहाँ त्रिशूल उर्शूल लगे हुए हैं, और यहाँ देखिए नारियल वरियल हो रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं कि आते रहते हैं भक्त भक्त, जो आमड़ा लगा रहता है सोमवार को। हाँ ये देखिए चढ़ाते हैं पैसे वैसा, और बहुत ही अच्छा स्थान है, यहाँ से नज़ारा भी अच्छा दिख रहा है। संजय भाई घंटी बजाते हुए यहाँ से NH 43 भी यहाँ दिख रहा है, देख सकते हैं गाड़ी जाती हुई। ये यहाँ से सोन नदी का भी नज़ारा दिखा सकते हो, थोड़ा देख सकते हैं पानी पानी, ये सोन नदी का रास्ता, बस काफिला भी दिख रहा है। दोस्तों मंदिर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं वहाँ ब्लॉग एंड करना भूल गया था, इसलिए आप, मैं घर आके अभी सुबह की वक्त मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। दोस्तों अगर हमारे आप चैनल में न्यू हैं और वीडियो कैसा लगा तो आपको शेयर करके ज़रूर बताइए, और लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जगह का जानकारी मेरे चैनल के द्वारा पाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद।